हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत और आज की क्लास हम लोग जानने वाले है। एमएस पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब के बारे में, तो जिसमें हम लोग मैक्सिमम ऑप्शन तो पहले से ही हम लोग एक्सेल में एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। जो नए ऑप्शन है उसी को हम लोग कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है फोटो एल्बम। देखो और सब ऑप्शन सेम ऐसा ही है। बोलो, टेबल, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, स्क्रीनशॉट, सब पढ़े हो ना। बस नया एक दिख रहा है, फोटो एल्बम। तो ये फोटो एल्बम पावर पॉइंट में करता क्या है, समझ। देखिए, फोटो एल्बम एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग एक एल्बम क्रिएट करते हैं डिजिटली, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। जैसे मान लो कोई फंक्शन है हमारे यहाँ, तो आप लोग फोटो क्लिक करवाते हो, फोटो क्लिक करवाने के बाद से एल्बम हार्ड कॉपी वाला खरीदते हो, उसके बाद उस फोटो को लगाते हो। इससे मैं देखो सभी लोग डिजिटली हो गए। अब देख लो जल्दी एल्बम कोई बनवा रहा है, नहीं बनवा रहा है, बहुत कर रहा था, कैमरे वाले से फोटो खिंचवा दे रहा है और फोटो पेन ड्राइव में रख ले रहा है। एल्बम मतलब बहुत ही कम लोग बनवा रहे हैं, ठीक है। लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं, वो अपने फोन में, अपने पेन ड्राइव में, अपने ड्राइव में रख ले रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा उसको देख ले रहे हैं। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं और वहां पे बहुत सारी इमेजेज हैं और उनका एल्बम क्रिएट करना है और उस एल्बम को फ्यूचर में किसी को प्रेजेंट करके दिखाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फोटो एल्बम तैयार करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ शादी था, ठीक है, तो हमने फोटो क्लिक करके बहुत सारा रखा था, उसका एक एल्बम बना दिया। क्या बना दिया? एल्बम। तो कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा, सभी लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, तो क्या हो जाएगा, हम आराम से प्रेजेंटेशन के माध्यम से शो करा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। बोलो, या कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेज है, उसका हम एक एल्बम क्रिएट कर सकते हैं और एक पास रख सकते हैं, और उसको दूसरे किसी को प्रेजेंट करके दिखाना हो, शो कराना हो, तो दिखा सकते हैं। मतलब यूं कह लो, केवल इमेजेस स्लाइड के माध्यम से किसी को शो करके दिखाने हो तो वहां तक किसका यूज करेंगे, फोटो एल्बम। तो चलो मैं एक एक करके इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन का क्या यूज है, मैं बता रहा हूं, और ध्यान से सुनिए, समझिए। तो इसके लिए सबसे पहले जाएंगे कहाँ पे, फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे क्लिक करेंगे? फोटो एल्बम, और यहीं पे देखो लिखा है न्यू फोटो एल्बम, हम इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इसके लिए फोटो चाहिए, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है एल्बम कंटेंट और इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल और डिस्क। बस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से अब इमेज कहाँ पे कौन सा लगाना है, वो इमेज हम लोग यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलो डेस्कटॉप पे आते हैं, इमेज है कि नहीं है, तो कुछ इमेजेज मेरे पास है, जो है वही लगा दे रहा हूँ, ज्यादा हमें लगाना नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ भी वो कई सारे इमेजेज हैं। क्लिक, इंसर्ट, आ गया एक। बोलो फिर और लगाना है, फाइल, क्लिक, इंसर्ट, दो हो गया, फिर से फाइल पे आएंगे। ऐसे आप लोग ले लेना, बहुत सारे इमेज, लोगो, तीन, एक और ले लो। इस फाइल पांच ले लेते हैं। हो गया, अब बस कुछ नहीं करना। अब देखो जिस इमेज में थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे ये समझिए,
मान लो पहला जो हमारा इमेज है वो ऐसा दिख रहा है, अब इस इमेज को हमको सबसे लास्ट में दिखाना है तो लास्ट में भी दिखा सकते हैं, बीच में दिखाना है तो बीच में भी दिखा सकते हैं। वह कैसे? तो उस इमेज को बस क्लिक कर दीजिए। अब जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहीं पे आ जाएगा डाउन का ऑप्शन। क्यों डाउन का ऑप्शन आया? क्योंकि सबसे ऊपर है तो जितना नीचे इसको लाना है ना उतना ला सकते। जो कितने नंबर पे आ गया? चौथे नंबर पे। और वैसे हमको पहले नंबर पे लेके जाना है तो अप दबा दे। क्लियर है? चलो अब यहां पे अगर किसी इमेज को हटाना हो तो देखो, जब तक तो सेलेक्ट नहीं करो तो काम नहीं करेगा। हटाना है तो देखो, जैसे हम सेलेक्ट हटा दिए तो सब ऑप्शन गायब हो गए, हाईलाइट ही नहीं हो रहा। तो जिसको हटाना है सेलेक्ट करिए और बस सेलेक्ट कर, बस क्या करना, बस रिमूव रिमूव। ऐसे रिमूव भी किया सर। चलो फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट करते हैं और यहीं पे देखो ऑप्शन को दिए गए। इमेज को हम सोच रहे हैं रोटेट करना तो रोटेट भी कर सकते हो जाएगा। चलो इस इमेज का कंट्रास्ट बढ़ाना हो, मतलब कंट्रास्ट मतलब होता है और डार्कपन आ जाता है, ठीक है, ग्राफ को, और कम करना तो कम किया जा सकता है। और अगला है क्या? ब्राइटनेस। बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो और घटाना है तो घटा सकते हो। इमेज को और कैसे रखना आपके ऊपर। हो जाएगा क्रिएट। तो देखो एल्बम बन गया। अब ऐसे 50-100 जो इमेज है सब ले लेना एक बार, और एक बार लेने के बाद से क्या करना है, क्रिएट कर देना। अब देखो यहां पे लिखा गया है फोटो एल्बम और बाई क्या है, जीआईटी, मतलब किसके द्वारा यह एल्बम बनाया गया। ध्यान से सुनो, किसके द्वारा यह एल्बम बनाया गया है, अगर यह नाम शो कराना चाहते हो तो लिखा भी गया फोटो एल्बम और यहाँ पे बाई जीआईटी जो लिखा हम अपना नाम लिखा। ठीक है, अब देखो फायदा क्या होगा, देख के चलो, देख के लाइट जला दे क्या, अंधेरा इंतजार करते करते तो पढ़ाए। चलिए आते हैं, और लिखा है फोटो एल्बम भाई एसके किया। अब उसके बाद से देखो मैंने दबा दिया क्या, F5। तो देखो जैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे ना तो पहले लिख के आएगा कि ये फोटो एल्बम किसके द्वारा बनाया गया। मोबाइल जला दो जी थोड़ा, गिर जाएंगे सर। यही सब करोड़ों की गाड़ी से आते हैं सर पढ़ने। जला लो लाइट। क्या
आपका होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखो या हमने या लाने के बाद से अगर मैं एक एक करके क्या कर रहा हूं, कैसे लाया, फाइव बटन दबा के और बस एरो की दबाऊंगा तो छोटे एलबम वाई एस के लिखा ही लिखा, उसके बाद देखो नेक्स्ट करो टीआई में जाएगा दिखाने के लिए इसे नेक्स्ट 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 इंडब्लिस्ट ऐसे बहुत सारा बना लेंगे। हम चाहेंगे तो ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं, वो कैसे सेट करेंगे आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, अभी मैनुअली बस बता रहा हूँ कैसे यूज करोगे। तो पहले इतना बताओ फोटो एल्बम बनाना है, बना लोगे अब ना? चलो अगर मान लो फोटो एल्बम बना दिया और दो चार फोटो हमको और ऐड करना, या जो बनाए हैं हमने उसमें दो चार फोटो डिलीट करने, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए ऑप्शन दिया है, फोटो एल्बम पे आइए और जो यहाँ पे न्यू फोटो एल्बम बनाने के लिए दे रहा है इसी के नीचे देखो ऑप्शन दिया है एडिट फोटो एल्बम, मतलब जो फोटो हमने बनाया है उसको एडिट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलो हम दो चार और फोटो बढ़ा लेते हैं, तो कहाँ आएंगे फिर से, फाइल और इमेजेस जो है वो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, फिर से कहाँ आएंगे, फाइल इमेजेस को सेलेक्ट कर दो। तो अब देखो मैं दो तीन और बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद से अब हमने कर दिया यहां पे अपडेट, गिरा ना आपको। अब यहां पे अगर मैं आता हूं और यह फाइव बटन दबाता हूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये तो नाम लिख के आएगा ही आएगा, ये रोकी इसे फिर से मतलब बढ़ाना है बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, घटाना है घटा भी सकते हैं, और नंबरिंग चेंज करना है तो चेंज भी किया जा सकता है, हमने पढ़ाया था। चलो एडिट पे आते हैं, और क्या किया जा सकता है इसको सीखिए, ये पे लिखा है इंसर्ट टैक्स, मतलब तुम सोच रहे हो हर एक पेज इमेज के जो हमने स्लाइड जो हमने एल्बम बनाया है उस इमेज के नीचे खाली एक हमारा स्लाइड ओपन हो जाए और उस इमेज के बारे में वहां पर लिखो, समझे ना? तो उसके लिए देखो ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्या, इंसर्ट टेक्स्ट और लिखा है न्यू टेक्स्ट बॉक्स, तो बस हम क्लिक कर देंगे इसके देखो बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, फिर से क्लिक न्यू क्लिक न्यू क्लिक न्यू। अब देखो फायदा क्या हुआ, अब हम फिर से अगर इसको अपडेट कर देते हैं तो देखो जितने हम इमेजेस लगाए हैं देखो ये तो फोटो एल्बम लिखेगा ही लिखेगा, फर्स्ट आ ही रहा है हमारा, देखो सेकेंड में इनके बारे में लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, फिर से थर्ड में मोदी जी का फोटो आ रहा है और उसके बाद इनके बारे में लिखना है तो लिख सकते हो, मतलब जहां जहां पे आप लोग को टेक्स्ट बॉक्स लेना है वहां पे आप लोग क्लिक करके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्लाइड ऑलरेडी पहले से छोटा होता है, ठीक है, तो कई लोग इसको भूल जाते हैं नहीं कर पाते हैं सही से, तो आप लोग करके देखिएगा हो जाएगा। चलो उसमें और ऑप्शन उसको सीखिए, ए पे एक और ऑप्शन दिया है पिक्चर ऑप्शन, और पिक्चर ऑप्शन में दिया है यहाँ पे ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब हमें जो कलरफुल इमेज है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर, और क्लिक करते ही देखो यहाँ पे क्या हो गया है, ब्लैक एंड व्हाइट, बस अपडेट, बस याद आ गया पुराना वाला टीवी सादा वाला देखे हो तुम लोग, क्यों नहीं बोल रहे,
खाली एंटी नहीं बुला रहा था। हाँ बैटरी वाला गधा। हम सादा टीवी की बात कर रहे हैं, टीना की बात कर रहे हैं, सीडीज नहीं चलता था। चलिए आते थे, और यहाँ पे देखो देखो, पहले ऐसा आता था तो हम सोचते थे कलरफुल कैसे करा, और आज कलर बुला रहा है आप कैमरे से तो सोच रहे हैं कैसे ब्लैक एंड व्हाइट करें। देखो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, आप इसका यूज करके देख सकते हो। चलो आते हैं, अगर नहीं देखना ब्लैक एंड व्हाइट तो ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट को अनचेक कर दो और अपडेट कर दो। अब देखो कलरफुल। बोली मुझे लग रहा है एल्बम में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक सुना है ना। देखो जो बाद में है उस समझ लो, हम कुछ बताया नहीं है, बस फोटो एल्बम। एल्बम आप लोग जानते हो क्या होता है, हमने फोटो एल्बम पे क्लिक किया है, और क्लिक करने बाद न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक किया है, हाई और डिस ऑप्शन पूछ रहा था, वहां से हमने क्या किया है इमेज को सेलेक्ट करके इंसर्ट करा लिया, और लास्ट में हमने ऊपर नीचे करना था अप डाउन से कर लिया और अपडेट कर दिया है, क्रिएट कर दिया हमारा एल्बम क्रिएट। ठीक है तो सिंपल है, बहुत दिक्कत होगा तो लाइव टीचर से पूछ लीजिए, बता देंगे लोग कैसे बनते हैं। तो बहुत जरा लंबा टॉपिक हमने नहीं बताया। अब देखो मैं सोच रहा हूँ ना कि जो हमने ये एल्बम क्रिएट किया है इसमें हम थीम्स लगा दें। ठीक है मतलब जो पेज दिख रहा था और अट्रैक्टिव दिखे, आकर्षक दिखे, और प्लस थीम्स के साथ साथ हम सोच रहे हैं इसका फ्रेमिंग भी कर दें, फ्रेमिंग मतलब फ्रेम में आए। ठीक है तो भी किया जा सकता है, तो इसके लिए ऑप्शन नीचे दिया है, और यह हम सोच रहे नहीं इमेज भी आए और एक बॉक्स इंसर्ट हो जाए इमेज के बारे में वही क्लिक, मतलब ये इमेज और इनके बारे में बताना क्या नाम है, तो एक बॉक्स आ जाता तो बता देते, बोलो बगल में या यहाँ पे या ऊपर या यहाँ पे, मैक्सिमम लोग नीचे ही देते या तो ऊपर देते, कुछ लोग बगल में भी देते इस साइड में उस साइड में। ठीक है तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करेंगे, इसी एल्बम से वहां पे क्या करेंगे, एक फ्रेम और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल सा स्टेप। आएंगे फोटो एल्बम पर, और फोटो एल्बम पर क्लिक करने बाद क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे एडिट, और उसके बाद से देखो यही पे ऑप्शन आता है एल्बम लेआउट। एल्बम लेआउट पे आएंगे, पिक्चर लेआउट, और पहले देखो लिखा फिट टू स्लाइड, मतलब पहले से सेटअप है फिट टू स्लाइड, इसीलिए फिट बैठा है यहाँ। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कर दिया वन पिक्चर, तो बस वन पिक्चर के रूप में दिखाई देगा, टू पिक्चर तो दो पिक्चर होगा, तो ऐसे एक एक करके दिखाएंगे। तो मैं कर दिया पिक्चर भी टाइटल, मतलब पिक्चर भी होना चाहिए टाइटल भी लिखना है, मतलब ऊपर टाइटल आ जाएगा नीचे पिक्चर आ जाएगा, और कर देंगे क्या, देखो या आ ही रहा है सेकेंड, देखो आ गया। चलो कौन है जी, अच्छा जानते हो, ठीक है तो आप टाइप कर लोगे ना, बस यहां से क्लिक करके, और देखो यहाँ पे टाइप करना, जैसे मैंने बोला नेता जी, हाँ बहुत सम्मान के साथ बोलते थे नेता जी। ठीक है और ऐसे भी नेता जी ज्यादातर इनको प्रसिद्ध नेते जी से थे। ठीक है और ध्यान देना यहाँ पे टाइप कर दिया, और नाम लिखना लिख देंगे, और यहाँ पे भी ऊपर लिखना है लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर लिखना है लिख देंगे, मतलब जहां जहां पे आपको टाइटल देने हैं यहां से दे सकते हो। अगर ये भी लेआउट आपको नहीं चाहिए तो फिर से यहां पे आएंगे, एडिट पे आएंगे, और मुझे तो केवल इमेज देखना फिट टू स्लाइड, और यहां पे थीम्स दिया है या यहां पे फ्रेम दिया है,
तो फिट टू स्लाइड करेंगे तो पूरा फिट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हम चेंज करें, वन पिक्चर कर दें, तो देखो फ्रॉम शेप ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब किस शेप में इसको देखना है वो यहां से डिसाइड कर सकते हो, राउंड, रेक्टेंगल, ग्राफ को, सिंपल फ्रेम, वाइट, तो जो लेना है वो ले सकते हो। बस ओके अपडेट। देखो यहाँ पे अब F5 बटन दबाते हैं, आ रहा है फ्रेम में। तो ऐसे आप लोग फ्रेमिंग कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। और लास्ट इसी में वह है थीम्स। अगर इसका थीम से चेंज करना चाहते हो, लास्ट खत्म हो गया, थीम्स पे आएंगे, ब्राउज पे आएंगे, और जो थीम से लेना है आप लोग को क्लिक करके ले लीजिए, अपडेट कर। देखो थीम्स अपने आप चेंज हो गया ना, हमें बनाना पड़ा नहीं। अब देखो अब यहाँ पे आएंगे और ये F5 बटन दबाएंगे, कुछ ऐसा लुक दिखाई देगा। फोटो एल्बम भाई यस के तो बहुत ही बेकार दिख रहा था पहले, और अच्छा दिख रहा है किससे, थीम्स से। बस एरो की हो जाएगा जी। चलो तो यह हमने आपको एल्बम पढ़ा दिया, कर लेना, और लास्ट में सेव करना तो सेव कर लेना, नहीं तो क्लोज। तो सेव क्यों नहीं करोगे, मेहनत से बनाओगे तो कर लीजिए। अब आ जाता है फिर से मेन टॉपिक, और ध्यान देना, फोटो एल्बम के बाद से जो आपको सीखना है वह सीखना है लिंक्स ग्रुप। और देखो लिंक्स ग्रुप में दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक हाइपर लिंक, दूसरा है एक्शन। एक हाइपर लिंक, दूसरा है एक्शन। अब हाइपर लिंक क्या होता है, कोड क्या होता है भाई? मतलब हम लिख देते थे इसीलिए एग्जाम करके उस डाटा पे चले जाते, समझे ना। यहाँ पे दिया है लिंक्स में दो ऑप्शन दिया है, एक एक्शन और दूसरा हाइपर लिंक। मतलब उसका भी मतलब जो हमारा दिया है वही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग। मतलब इसमें तरीका यह है कि हाइपर लिंक का यूज कर आप बटन क्रिएट कर सकते हो, और बटन दबाते ही स्लाइड पे जा सकते हो जिसके बारे में आपको जानना है, पढ़ना, इस्तेमाल कर। ठीक है, मतलब लिंक का मतलब ये है कि एक ऐसा कोड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें क्लिक करते ही उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे सामने शो हो जाए, ऐसे कंडीशन में हाइपर लिंक का यूज किया जाता है। कोई पावर पॉइंट अगर यूज करते हैं तो हाइपर लिंक और एक्शन ऑप्शन का यूज, मतलब जब तक एक्शन यूज नहीं करेंगे ना हाइपर लिंक हाईलाइट नहीं होगा, एक्शन बटन यूज करना पड़ेगा। एक्शन बटन और जो हाइपर लिंक है इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम स्लाइड पे जंप करके जा सकते हैं। मतलब स्लाइड पे जंप करके जाने का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं 50-100 स्लाइड बनाकर रखा, ठीक है, 50 से ज्यादा स्लाइड बनाकर रखा, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कोई ऐसा तरीका पता चलता कि पहले से एक ही बार 15 पे चले, या 15 वाले से एक ही बार जंप करके 20 पे चले, और 20 से एक ही बार 40 पे चले जाए, ठीक है। तो आप बताओ क्या जो हमने पढ़ाया है उसने ऐसा सिखाया आपको, बोलो। नहीं सिखाया, क्योंकि अभी ऑप्शन आया ही नहीं था, लेकिन हमको देखना तो क्या करना पड़ रहा है, एरो करके कब एक करके दिख रहा है। तो जब नंबर ऑफ स्लाइडें ज्यादा होते हैं तो वहां पे हाइपरलिंक और एक्शन का यूज ज्यादा होता है, किस लिए, बटन को बनाने के। अब बटन क्यों बनाएंगे, बटन
और बटन इसलिए बनाएंगे कि तुरंत उस पे क्लिक करें उसका इंफॉर्मेशन खुल जाए, हमें खोजना नो टाइम कम लगे, ठीक है। ऐसे कंडीशन में भी इस्तेमाल करते किसका, हाइपरलिंक और एक्शन, मतलब जब तक एक्शन बटन नहीं क्रिएट करेंगे हाइपरलिंक काम नहीं करेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, हम आ जाएंगे या फाइव बटन दबाएंगे। देखो पहला आ रहा है, अब हम चौथे पे जाने तो क्या करेंगे, गिनना पड़ेगा दूसरा तीसरा चौथा, बोलो। लेकिन हम एक बार में चले जाते तो बहुत अच्छा रहता, तो उसके लिए आएंगे फर्स्ट वाले पे और उसके बाद से आएंगे इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद से पेज, और क्या करेंगे से पेज हम यहां से नहीं लेंगे, बटन से लेंगे, नीचे आ जाएंगे, दिख रहा है एक्शन बटन। तो क्या है एक्शन परफॉर्म करना है आपको, जंप कराना है नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, तो हम यहां पे ले लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं और कहीं ड्रॉ कर देते, और जैसे ड्रॉ करेंगे ना तुरंत देखो यहाँ पे हाइपरलिंक आ गया, आया। अब हाइपरलिंक जो लगाना है वो किस पे लगाना है, नेक्स्ट, मतलब जैसे क्लिक करें नेक्स्ट वाला स्लाइड आए, नहीं नेक्स्ट वाला तो वैसे ला देते, हमें तो लाना है क्या स्लाइड नंबर, तो स्लाइड पे क्लिक कर दो, और स्लाइड पे क्लिक करने के बाद किस स्लाइड को प्रेजेंट करना है उससे, फोर वाले फाइव ले लिया और कर दिया यहां से ओके, ठीक है, आओ ओके कर दिया। अब क्या करेंगे, इसी पे डबल क्लिक कर देंगे और क्लिक करके हम लिख देंगे स्लाइड क्या फाइव, फाइव ये था ना, और दे दिया। को तो क्यों दिए हो, या मतलब ये बताने के लिए कि यहाँ पे क्लिक करो तो कहाँ चले जाओ जी, पांचवी वाले स्लाइड पे। अब उसके बाद से कुछ नहीं करना है, शिफ्ट प्लस या फाइव क्यों दबाओ, और यहाँ पे आ रहा है और जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, और सेम हमें उस पे जाना है, ठीक है, किस वाले पे, फाइव वाले पे, तो बस यहाँ पे क्लिक, तो लिंक आ रहा है, यहाँ पे लिंक बना है, यहाँ पे नहीं बना ना, यहाँ पे नहीं बना, लेकिन देखो यहाँ पे आएंगे तो बना, और लिंक के बारे में आप तो जानते हो, बस जैसे इस पे क्लिक करोगे जंप करके कहाँ जाओगे, आ गया, तो एक एक करके नहीं जाना पड़ा, इसके लिए इस्तेमाल करते किसका, बोलो तो हाइपरलिंक। चलो अब हम सोच रहे हैं कि चौथे पे तो चले आ रहे हैं, फिर से वापस आना पहले वाले पे, तो उसके लिए फिर से आएंगे इंसर्ट, और कहाँ जाना है चौथे वाले इंसर्ट पे, और लेंगे हम एक्शन बटन, अब किसको करना है फर्स्ट स्लाइड, मतलब तुरंत कहाँ चले जाए चौथे से, फर्स्ट वाले, अब देखो लिखना है तो लिख दो,
अब यहाँ पे लेने के बाद आ जाते हैं फर्स्ट वाले, ठीक है। अब देखो जितना पढ़ाना था समझाना था समझा लिया, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले पे जाना है जो इसके बाद लाना चाहते हैं। तो हमने लिंक दिया कि नहीं दिया है, बस क्लिक। किस पे नहीं दिया है क्या, किस पे दिया है, इस पे। चलो कोई बात नहीं, क्या करें आप, क्लिक वाले पे, मतलब इससे नेक्स्ट वाले और इससे यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं और ऐसे